नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रुत लाइव न्यूज नेटवर्क। सीतामढ़ी शहर के रिंग बांध स्थित सीतामढ़ी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया गया। यह संस्था केंद्र सरकार के देखरेख में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा संचालित होता है। संस्था के उद्घाटन से पूर्व पूजा प्राण प्रतिष्ठा का कर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि युवा समाज सेवी शशांक मिश्रा ने पहुंचकर फीता काटकर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। वहीं संस्था के निदेशक डॉक्टर सोनम शुक्ला ने बताया कि जिले में भारत सरकार का उपक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जिले के लिए खुशी की बात है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब पटना दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, अब सीतामढ़ी में जी मेडिकल के 25 कोर्स की पढ़ाई होगी। मुख्य अतिथि युवा समाज सेवी शशांक मिश्रा ने बताया कि जिले के लिए खुशी की बात है, अब गरीब से गरीब लोग मेडिकल की तैयारी कर पाएंगे। जैसा कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोटा दिल्ली पटना जाना पड़ता था, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। अपने शहर सीतामढ़ी में पारा मेडिकल की नर्सिंग कॉलेज खुलने से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। एवं वहीं डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि हमारे संस्था में लोगों की पढ़ाई के लिए क्लासरूम, लैब व सरकारी हॉस्पिटल में सदर PhD SSC में 6 माह का प्रशिक्षण भी छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। वहीं सभी विद्यार्थी को हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। हमारे यहाँ डॉक्टर ओम युवा समाज सेवी राघव गुप्ता सहित अन्य छात्र छात्राएं वहाँ पर मौजूद थे। त्रुत लाइव संवाददाता मोना पटेल की रिपोर्ट। बने रही त्रुत लाइव न्यूज नेटवर्क के साथ। जो लड़कियाँ जो यहाँ पर एडमिशन कराएंगी उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं आपके पास? जैसे बच्चियाँ हमारे यहाँ जब एडमिशन कराएंगी तो बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती है जो आउट ऑफ टाउन होती है या फिर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से उनका घर काफ़ी दूर होता है, जो रोज क्लास करने में असमर्थ होती है, उसके लिए हमारे यहाँ हॉस्टल्स की फैसिलिटी है। क्योंकि हॉस्टल हमारे कॉलेज कैंपस में ही होता है, ठीक है। अभी भी हमारा जो ये कॉलेज है, इसके कॉलेज के अपर फ्लोर पर जो है वो हॉस्टल्स 10 हॉस्टल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि स्पेशली एक टाइम फिक्स होता है बच्चे का कि हमारे से मॉर्निंग शेड्यूल में क्लास चलता है 7 से 12, ठीक है। 7 से 12 के बाद में बच्चियाँ अपने घर में रहती है। अगर कहीं जाना होता है या फिर कहीं कुछ कहीं मार्केटिंग है या कोई भी चीज़ है बच्चों की, तो वो पहले एक एप्लीकेशन देके परमिशन के साथ हमारे वार्डन के साथ जाती है। किसी भी बच्चिया को हम लोग अकेले नहीं भेज सकते। उसके बाद में फिर उनकी आने की टाइमिंग फिक्स होती है, बाहर जाने की, नाइट में वो लोग बाहर ऐसे बिना पूछे नहीं जा सकती, और कभी भी यहाँ पे अकेले नहीं भेजा जाता है। जब भी जाएंगी तो हमारी वार्डन मैम है, वो साथ में ही जाती है। तो ये सारी सुविधाएँ हैं बच्चियों के लिए कि जो मतलब रोज़ क्लास नहीं अटेंड कर सकती है, जो गाँव से हैं, बिलोंग करती हैं, और ज़्यादा फीस भी नहीं है हमारे यहाँ। क्योंकि हमारा ये जो संस्था है, सर ने जैसा कि बताया कि ये कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज सेंटर है, तो जैसा कि हम लोग इसीलिए ऐसा है कि गरीब बच्चों को कम पैसे में उनको स्वरोजगार यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बना करके और हम लोग उनको आगे बढ़ाए। सर बोले 28,000 लगेगा तो सिर्फ एडमिशन? ये सर ने जो बताया 28,000 वो हमारे यहाँ 1 ईयर की मिनिमम फीस है, ठीक है। तो हॉस्टल भी उसमें इंक्लूड है या फीस है? हॉस्टल चार्ज अलग, हॉस्टल चार्जेस अलग होते हैं। अगर 2 बेड के हैं, 3 बेड के हैं, बच्चा जिस टाइप से रहना चाहता है उस टाइप से रह सकता है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सीता माँ के जन्मभूमि पे ऐसी चीज़ हो रही है, ये तो भगवान का काम है, ये जो है ये भगवान का काम है। ये मैडम को और सर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने लाखों बच्चे हैं मेडिकल के लिए सोचते हैं कि वो कैसे पढ़ाई करें, और सोचने के बाद भी, पढ़ाई करने के बाद भी उनको जाना पड़ता है पटना, पटना में भी हो या नहीं हो फिर उनको ट्राई करना पड़ता है दिल्ली या बॉम्बे या मेट्रोपॉलिटन सिटी। बट अब ये चीज़ मैडम के और सर के माध्यम से अब सीतामढ़ी में हो गया है। तो पहले सोचना पड़ता था, पर अब सोचने को उन्होंने, मैडम ने इसको हकीकत में कन्वर्ट कर दिया है, और मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने के लिए, इसका उद्घाटन करने के लिए। और इससे मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सीतामढ़ी के युवा के लिए ये विकास की चीज़ें हैं, और इससे बच्चे को इतने अच्छे एजुकेशन मिल सकती है। अपने आप होम टाउन में आप अपने बच्चे को कहीं आपको दूर भी नहीं भेजना है, आप यहाँ हॉस्टल पे रख दीजिए, उनको मन होगा हफ्ते में एक दिन वो घर पे भी जा सकते हैं। तो ये आप अपने पेरेंट्स के पास में भी रहेंगे और अपना पढ़ाई भी कर पाएंगे, तो सीतामढ़ी के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और मैं बहुत सौभाग्य हूँ कि मैं आया हूँ और इस चीज़ का उद्घाटन किया हूँ। तो मैं मैडम को और सर को धन्यवाद करता हूँ। सीतामढ़ी के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या? देखिए, अब जो नियम कानून है इस संस्था का, उस संस्था के हिसाब से क्या इनका फॉर्मेलिटीज़ है वो तो उनको क्राइटेरिया तो पूरा करना ही पड़ेगा, और उसके बाद ये गवर्नमेंट से टाई अप है, ये गवर्नमेंट के अधीन चलेगी, गवर्नमेंट इसको लाइसेंस दिया हुआ है, और ये पूरे सीतामढ़ी में पहला है
और सबसे एक ही हो सकता है जिला का, तो इसमें डेफिनेटली ये है कि इसमें जो भी सहयोग होगा वो सर के थ्रू या मैम के थ्रू होगा ही। अगर इसमें भी अगर कुछ बच्चे लोग असम जो नहीं हो पाते हैं, जो उनको लगता है कि हमारे एजुकेशन में थोड़ा कमी आता है, वो मुझसे मैडम के थ्रू या सर के थ्रू मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा जो भी सहयोग है। और उसके साथ साथ ही उसके जस्ट बाद हम लोग वहाँ इनको प्लेसमेंट करवाते हैं। प्लेसमेंट जी आपके जी, देखिए यहाँ पे सुविधाएं जो है सो बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भर के भी ले सकते हैं, हम लोग फॉर्म निकालते हैं इसका, ठीक है, हर एक ब्रांच का निकलता है। जो बच्चे को चाहिए यहाँ पे सर्टिफिकेट में मिनिमम 10th होना चाहिए, ठीक है, आर्ट कॉमर्स और साइंस तीनों जो है सो सब्जेक्ट से आप इसमें नामांकन ले सकते हैं। अगर बच्चा जनरल से है तो उसको नामांकन के समय में 7500 रुपये लगते हैं, और बच्चा अगर बच्चे के पास जाति प्रमाण पत्र है, जाति धारक हैं वो, तो उनको 6000 का जो है सो एडमिशन फीस लगता है, जिसमें कि बच्चे का एप्रॉन, ड्रेस, आई कार्ड, बुक्स, ये सारा चीज़ उसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है सो पढ़ाई कर